मधुबनी जिला के बाहुबली के बरधहा गांव में आज जो है मंसूरी समाज का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे साथ यहां पे मौजूद है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो कि मंसूरी समाज के हैं, अजीम मंसूरी साहब। जानते हैं उनसे कि यह सम्मेलन रखने का क्या उद्देश्य है और साथ ही साथ आने वाले समय में इस समाज के उत्थान के लिए किन किन बातों पर बहस जारी है। बहुत बहुत आपका खुशामदीद है हमारे न्यूज चैनल में। जी सर, सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया कि मेरा इंटरव्यू लेने का काम किए हैं। मेरा नाम मैं बता देता हूं, मैं अजीम मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार। ये आज का जो सम्मेलन किया गया है, आप देख रहे हैं कि आज जातीय जनगणना कुछ दिन पहले हुआ है और बिहार सरकार जो है पासमानदा समाज को दरकिनार कर रहे हैं, राजनीति में भी और हर चीज़ के से दर के महरूम कर रहे हैं। और इसी के लिए मैं ये सम्मेलन रखा था और मैं हर साल सम्मेलन रखता हूँ। आप लोग को मालूम होगा, आप YouTube के माध्यम से कितने सालों से आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं? लगभग 10 सालों से लगातार सम्मेलन मैं कर रहा हूँ, हर जगह अलग अलग जिलों में होता है बिहार में। जी, आज जो सम्मेलन रखा गया इसमें कुल कितने लोग आए हुए थे? आज लगभग आप देख रहे हैं कि खाना आप लोग खुद देखें, 1000 आदमी से प्लस थे। आज सब मंसूरी समाज से ही थे? जी, सब मंसूरी समाज। कहाँ किन किन जगह से लोग आए थे? लगभग बिहार के 12 से 13 जिलों से थे और 3-4 राज्य के लोग थे इसमें आए हुए। पता चला है कि दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से भी जो है नेता लोग आए हुए थे आपके समाज के? जी जी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कई जगह से लोग आए हुए थे। कौन कौन? जैसे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जावेद इकबाल मंसूरी साहब, पूर्व राज्य मंत्री आए थे, हाजी अयूब साहब जो है दिल्ली महामंत्री आए थे, अजमत साहब आए थे। क्या कहना चाहेंगे, जो है आबादी के हिसाब से जो है पिछड़ा जो है आपका मंसूरी समाज भी है, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, अगर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को और सभी पार्टी को वार्निंग भी देता हूँ कि जो पार्टी हमारे मंसूरी समाज के तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी देगा, मंसूरी समाज उसके साथ है। कितनी सीट बन रही है हमारे? लगभग 12 से 13 सीट बन रही है। अगर 12 से 13 सीट में से 10 भी सीट अगर देगा तो हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे, नहीं तो अन्यथा हम हर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। बाहुबली विधानसभा में कुल कितनी आबादी है आपके समाज की? हमारे 35 से 40 हज़ार हमारे समाज की। 35-40 हज़ार आबादी है मंसूरी समाज की बाहुबली में? डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं ना? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको मालूम होगा जो मंसूरी समाज सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, अपने नाम के पीछे मंसूरी नहीं लिखते हैं। लगभग आप देख लिए लदनिया में देख प्रखंड, बावरी प्रखंड, खजोली आधा प्रखंड पड़ता है बावरी विधानसभा में, ज़्यादातर गांव में मंसूरी समाज। आप कोनो गांव में खोजिए, जिस गांव में कोई मंसूरी समाज मिलेगा आपको। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सभी जो भी इस दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर मंसूरी समाज को आप क्या कहना? मैं मंसूरी समाज और आपके माध्यम से मंसूरी समाज को भी और अदर दर्शक को भी कहेंगे कि सबसे पहले अपने बच्चे को तालीम दें, एक रोटी कम खाएँ, फजूल खर्च, दैनिक फजूल खर्च पर डे एक आदमी को 100 रुपया है उसमें कमी करें। हम हफ्ता में मान लें मीट मछली खाते हैं, हम हफ्ता में न खा के महीना में खाएं। कपड़ा अगर हम 1000 का पहनते हैं, हम 2100 का पहने, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा तालीम दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज़, साथ ही साथ प्रभात टाइम्स। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।